मल्लिकार्जुन के कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद रांची के कांग्रेस भवन में जश्न मनाया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाया, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। जीत की खुशी में कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि आज से नई शुरुआत हुई, 2024 की लड़ाई में सोनिया राहुल के अनुभव के साथ मल्लिकार्जुन कांग्रेस को सत्ता में वापस ले आएंगे। प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाना अपने आप में एक इतिहास है और निश्चित रूप से यह कदम कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र को सार्वजनिक करते हुए जो आज कांग्रेस ने लिया है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति में यह मील का पत्थर कदम साबित होने वाला है। और कांग्रेस तो निश्चित रूप से आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी और पूरा कांग्रेस परिवार लोगों के प्रयास से झारखंड में भी खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस उत्तरोत्तर विकास करेगी और जनता के मुद्दों को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक आपको सर्वत्र दिखाई देगी। ये आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो टेबल पर दो व्यक्ति बैठ करके कब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्य विस्तार दे देते हैं और ये देश और दुनिया के लोगों को पता नहीं रहता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 9300 डेलीगेट्स ने किया है। बहुत ही अनुभवी आदमी, बहुत पुराने आदमी जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगठन के लिए दिया, वो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो आपको देखने से लगता है कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में क्या माहौल है और उनके आने से हमारा ऐसा मानना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।